हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ एंड आपके साथ फाइनली शेयर कर रही हूँ अपना मदर्स डे वीकेंड, क्या क्या किया हमने मदर्स डे पे। शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो आज दोपहर को हमें अपने फ्रेंड्स के घर लंच पे जाना था, इसलिए मॉर्निंग में थोड़ा लाइट सा ब्रेकफास्ट करने का मन था। तो मैंने बनाया आज ढोकला। ये बनाना बहुत ही सिंपल है एंड बिल्कुल ना अलग सा ब्रेकफास्ट हो जाता है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ढोकला बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन, उसमें शुगर, सॉल्ट, हल्दी, थोड़ा सा ग्रेटेड जिंजर डाला है। उसके बाद उसमें 2 लेमन का मैंने जूस डाल दिया है। अब हम उसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे और उसके बाद पानी डाल के उसको हम लोग मिलाएंगे। अच्छा, जब हम इसको अच्छे से फेंटेंगे, वो सबसे मेन स्टेप है एंड दैट विल डिटरमाइन कि आपका ढोकला अच्छा बनेगा कि नहीं। तो आपको अच्छे से उसको फेंटना है एंड एक डायरेक्शन में करना है। ऐसे नहीं कि आप वंस क्लॉकवाइज करो, वंस एंटी क्लॉकवाइज करो, एक डायरेक्शन में ही आपको उसे कंटिन्यूसली घुमाना है। कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए ना ज़्यादा फ्लोई होनी चाहिए। अब उसको अराउंड 30 मिनट्स के लिए आप ढक के रख दीजिएगा। जब 30 मिनट्स हो गए थे तो मैंने उससे पहले पानी चढ़ा दिया है ताकि फाइनली जब हम ढोकला बनाएं तो हमारा पानी रेडी हो जाए एकदम गर्म। यहाँ पे मैंने ढोकला की प्लेट ली है, उसको मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर दिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 30 मिनट्स के बाद नेचुरली भी थोड़ा सा बेसन फर्मेंट हो गया है, पर हम उसे और फर्मेंट करने के लिए उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब इनो। अगर आप सैशे यूज़ करते हैं तो इसमें एक पूरा सैशे इनो का चला जाएगा। इनो डालने के बाद आपको इसको ज़्यादा नहीं फेंटना, बस इतना जितने में आपका ढोकला का जो मिक्स है वो फ्लफ़ी हो जाए। इसको तुरंत के तुरंत अपनी ढोकला की प्लेट पे निकाल दीजिएगा। इसको एक बार इसकी जितना भी एयर बबल्स हैं उन्हें निकाल के और हम अपने स्टीमर में हम 28 to 30 मिनट्स के लिए इसको स्टीम होने देंगे। जो ढोकला का स्टीमर मैं यूज़ करती हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये काफ़ी वर्सेटाइल है, इसमें मैं इडली भी बना लेती हूँ एंड ढोकला भी बना लेती हूँ। अमेजोन से मैंने लिया था, अगर आपको सेम लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। आप टूथपिक डाल के आप चेक कर लीजिएगा, उस पर कुछ भी लगना नहीं चाहिए, तो आपका ढोकला रेडी हो गया है। जितने वो कूल डाउन हो रहा है उतने हम उसका तड़का तैयार कर लेंगे। तो ऑयल में मैंने लिया है मस्टर्ड सीड्स, करी लीव्स, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज। थोड़ा सा सौते करने के बाद आप इसमें पानी डाल देना एंड उसके बाद इसमें सॉल्ट, शुगर, अमचूर पाउडर, चाहे तो आप थोड़ा लेमन जूस भी डाल सकते हैं, पर अमचूर ज़्यादा अच्छा खटास देगा आपको। इसमें सब कुछ को डाल के इसको पूरा एक बार बॉयल होने देना ताकि जो भी स्पाइसेस का फ्लेवर है वो आपके पानी में आ जाएगा। वंस आपका पानी एज वेल एज आपका जो ढोकला आपने बनाया है वो कूल डाउन हो जाएगा, तो बस ऊपर से आप अपना पानी ढोकला पे डाल सकते हैं। आप चाहें तो कोरिएंडर भी डाल सकते हैं ऊपर से, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है। एंड ये आप ट्राई करके देखना, बहुत ही लाइट सा ब्रेकफास्ट है, डिफरेंट सा ब्रेकफास्ट है एंड येट इट्स वेरी फिलिंग। तो साथ में आज हम लोगों ने चाय के बजाय सोचा चलो और थोड़ा डिफरेंट करने के लिए कॉफ़ी लेते हैं। मैं ये नेस्कैफे वाली कॉफ़ी यूज़ करती हूँ, बहुत ही सिंपल वे में ही मैं कॉफ़ी बनाती हूँ, तो थोड़ा सा चेंज हो गया था ढोकला प्लस कॉफ़ी। अगर आप लोग भी ये ट्राई करें तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो पे ज़रूर अपना कमेंट छोड़ना। मैं ट्राई करती हूँ मोस्टली सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँ टाइम पे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, अच्छा फ्लफ़ी सा ढोकला बना है। इसकी मेन ट्रिक यही है कि अच्छे से आप इसे फेंटें, एक डायरेक्शन में फेंटें और कंसिस्टेंसी मीडियम रखे, ना थिक रखे ना थिन रखे एंड यू विल डेफिनेटली मेक अ वंडरफुल ढोकला। एंड हाँ, आज हम लोगों ने ग्रॉसरी मंगवाया था एंड आप लोगों में से काफ़ी लोग रिक्वेस्ट करते हो कि जब भी ग्रॉसरी मंगवाओ तो ग्रॉसरी हॉल करना, तो जो भी आज का ग्रॉसरी आया था मैं सोचा उसका एक हॉल बना देती हूँ। तो मोस्टली हम लोगों ने फ्रूट्स मंगवाए थे, ये स्प्रिंग मिक्स मंगवाया था। आजकल मैं बहुत ज़्यादा सैलड खाने लगी हूँ, एक मील मैंने सैलड से रिप्लेस कर दी है एंड कमिंग वीडियो में दिखाऊंगी आपको मैं कैसे सैलड बनाती हूँ। काफ़ी लोग पूछते हैं आप एग्जैक्टली क्या करते हो, तो उसमें ग्रीन्स के अलावा फ्रूट्स, नट्स, कुछ ड्रेसिंग, काफ़ी टेस्टी बनता है और ऐसे लगता नहीं है कि कुछ हेल्दी टाइप में सैलड खा रहे हो, मतलब इट्स आई रियली लुक फॉरवर्ड टू ईटिंग दैट। तो वो रेसिपी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। हाल फिलहाल ये छोटा सा मेरा हॉल था। सब्जियों में मैंने मंगवाया था पोटैटो, मशरूम्स भी मंगवाए थे, वो आई थिंक मैंने फ्रिज में रख दिए थे हॉल करने से पहले। नील के लिए मैं ये चीज़ स्टिक्स मंगा लेती हूँ, ये वाली सबसे अच्छी होती हैं और बच्चों को ना पूरा प्रोटीन इस एक चीज़ स्टिक से मिल जाता है। अगर आपके बच्चे मिल्क नहीं लेते तो ज़रूर आप एक चीज़ स्टिक दे दो एंड दैट्स इक्विवेलेंट टू 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क।
आफ्टरनून में हम लोग अब अपने फ्रेंड्स के घर जा रहे हैं, तो मैंने थोड़ी बहुत टिडबिट्स कलेक्ट की हैं जो आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करती हूँ। अम्मा दादी कॉल कर रहे हैं, सो जाएंगे ना। ओके ओके ओके। तो मैं आप लोगों को यहाँ से व्यू दिखाती हूँ, क्या अमेजिंग व्यू है। आप जो नीचे देख रहे हो वो मेन पार्क है। हम लोग भी पहले इसी एरिया में रहते थे। यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारे पार्क्स हैं जैसे आप देख सकते हो। एंड जो साइड अभी आप देख रहे हो दैट्स होबोकेन, तो ये न्यू जर्सी है। एंड मैं जस्ट एक मिनट में आपको कैमरा शिफ्ट करके दूसरी साइड दिखाऊंगी, तो दैट इज़ हडसन रिवर और उसके वहाँ है मैनहट्टन। तो ये इनके घर से बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। एंड घर पे भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी शीशा लाइक ग्लास के वॉल्स हैं इंस्टेड ऑफ कॉन्क्रीट। एंड मुझे पता नहीं था पर सौरभ ने एक सरप्राइज मॉम्स डे केक लेके आए थे जो हमने कटिंग की। नील मामा को किस करते और विश करते। नील ने मामा को कार्ड भी दिया। क्या सुनना होगा। माई फ्रेंड मेड अमेजिंग मील, तो उन्होंने बनाया था बूंदी वाला रायता, उसमें मस्टर्ड एंड कढ़ी पत्ते का ऊपर से तड़का लगाया था। ट्राई करके देखना, काफ़ी अच्छा लगता है। ये है कश्मीरी दम आलू जो दही वाली ग्रेवी में बने हैं, राजमा एंड नान एंड पुलाव। सैलेड भी था पर वो बाद में निकाला था तो मेरा मिस हो गया शूट करना। जो नान मेरी फ्रेंड ने बनाए हैं वो हल्दीराम वाले नान हैं, उनको आप माइक्रोवेव करके थोड़ा सा एंड तवे पे बनाओगे तो काफ़ी अच्छे बनते हैं। ओवरऑल इट वाज अ फैंटास्टिक ट्रिप, मदर्स डे अच्छा सेलिब्रेट हुआ। जब तक हम लोग निकले बारिश हो गई थी काफ़ी एंड नील बस कार में ही सो गया। तो इसके साथ करती हूँ व्लॉग का एंड। आई होप आपको अच्छा लगा हो, कुछ अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल मीट यू वेरी सून, बाय।